हेलो किड्स, वेलकम बैक माय चैनल जिसका नाम है प्री नर्सरी लर्नर। सो आज बच्चे जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हेल्थी हैबिट्स। हेल्थी हैबिट्स छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होती, हम बड़ों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी होती हैं। सो फर्स्ट, बी एक्टिव। बी एक्टिव हम कैसे रह सकते हैं? जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें डेली वॉक पे जाना चाहिए। वॉक पे जाके कुछ रनिंग या स्मॉल एक्सरसाइज या साइकिलिंग वगैरह यूज़ करनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और उससे हम पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। सेकेंडली, लिमिट स्क्रीन यूज़। आजकल हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, बट हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना कि हमारे लिए अच्छा हो। इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे माइंड और आइज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मोस्टली जो आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादा स्टडी पे तो इतना ध्यान नहीं देते जितना फ़ोन और टीवी पे देते हैं। सो बच्चे, और हमें इसका बहुत कम यूज़ करना चाहिए, सिर्फ उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है या जितने की हमारे लिए अच्छा है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईट लोड्स ऑफ वेजिस एंड फ्रूट। हमें हरी सब्जियां और फल फ्रूट खाने चाहिए, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो हेल्थी और फिट रहती है। लिमिट हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे कि आजकल हम बहुत ज़्यादा जंक फूड्स लेते हैं, बर्गर, पेस्ट्रीज, हॉट डॉग ऐसी वगैरह, मतलब जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमें भी अच्छे लगते हैं, बट छोटे बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, बट ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, ड्रिंक मोर वाटर। हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, सोडा तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसके जो है हमारी बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें दांतों की परेशानी होती है, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट, टेक डेली वॉक। हमें वॉक पे तो हमेशा ही जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वॉक पे जाएंगे तो हमारा माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है, डिप्रेशन से हम दूर होते हैं और अनिद्रा की हमारी जो समस्या है वो दूर होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।